बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शायद इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो गाड़ियाँ जिन जो सिंध से रजिस्टर्ड हैं उनका आप सालाना टोकन टैक्स कैसे चेक कर सकते हैं और ख़ुद ही पे कर सकते हैं उसको, और अगर आपने अपनी गाड़ी की ओनरशिप चेक करनी हो कि वो किस नाम पर है वो भी आप ख़ुद ही चेक कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन करेंगे और सर्च बार में आप ये डायल करेंगे excise.gos.pk/home/quickpay, लिखकर आप सर्च करेंगे तो नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपकी आसानी के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जैसे आप उस लिंक पर ओके करेंगे तो आपके सामने भी यही डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर सिंपल सा डाटा हमने एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद जो कैप्चा इधर शो होगा यही नीचे आपने सेम लिखना है। कैप्चा और स्मॉल लेटर का आपने खास क्या रखना है, अगर आप कैप्चा गलत एंटर करेंगे तो आपके सामने डिटेल शो नहीं होगी, पे यहीं पर स्टिल रहेगा। तो आपने अगर कैप्चा चेंज करना चाहें तो ये ऑप्शन है क्लिक हेयर की, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये कैप्चा चेंज हो जाएगा। तो डाटा एंटर करने के बाद व्यू डिटेल पर ओके करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं व्यू डिटेल पर ओके करने पर हमारे सामने तमाम डिटेल शो हो जाएंगी। नंबर शो होगा, मार्क शो होगा, मॉडल और आपका जो टोकन टैक्स है वो कहाँ तक पे है, कौन से साल तक पे है और आपकी तमाम बॉडी किस कंपनी की है, किस टाइप की है, तमाम डाटा शो होगा। और नीचे ऑप्शन है पीरियड की और यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रही है सिलेक्ट पीरियड, इसको सिलेक्ट करेंगे हम तो नेक्स्ट दोस्तों दो पीरियड शो होंगे। अगर आपने 6 माह की पेमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने साल के टोकन टैक्स इकट्ठे पे करने हैं तो आप ये नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल 1 साल के ही पे कर रहा हूँ, जून 2023 सेलेक्ट करूँगा। तो इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जून 2023 सेलेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद टैक्स चेक करने के लिए कैलकुलेट टैक्स पर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने डिटेल शो हो जाएगी टैक्स की। आप देख सकते हैं 900 रुपये टैक्स है हमारा इस व्हीकल का जो भी हमने नंबर एंटर किया है, और ये न्यू ऑप्शन ऐड किया है, इस पर आप चेक लगा लें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिसिप्ट यानी जो रसीद है आपके घर पर TCS के ज़रिए ट्रांसफ़र हो। तो इसके बाद दोस्तों PSID नंबर जनरेट करने के लिए जनरेट PSID नंबर पर ओके करेंगे, PSID हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। तो दोस्तों जो नंबर हमने एंटर किया उस पर PSID नंबर हमें रिसीव हो जाएगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमें PSID नंबर शो हो रहा है। तो इसकी पेमेंट भी हम खुद ही कर सकते हैं, ATM से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों PSID नंबर जनरेट करने के बाद इजी पैसा ऐप को मैंने लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हैं मोर पर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट हमारे सामने ये डिस्प्ले आएगा। तो इस पेज के हमने नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन ओपन करनी है, आप देख सकते हैं बिल पेमेंट की ऑप्शन है, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है मेन्यू में, और इसके नीचे ये ऑप्शन शो हो रही है गवर्नमेंट फीस, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी इंस्टीट्यूशन शो हो रहे हैं, पंजाब, इस्लामाबाद, और ये सिंध की ऑप्शन है जो अभी हम सिंध के टोकन टैक्स पे कर रहे हैं व्हीकल के, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम। सिंध सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं शो हो रही है सिंध व्हीकल टोकन टैक्स, इसको ओपन करेंगे। तो जो PSID नंबर हमने जनरेट किया है इंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, तमाम डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी और आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस भी शो हो रहा है, 3201 रुपये बैलेंस है इस वक्त मेरे अकाउंट के अंदर। आपने PSID नंबर वेरीफाई कर लेना है, गलत PSID इंटर करने पर पेमेंट गलत भी हो सकती है। तो डाटा चेक करने के बाद पे नाउ पर प्रेस करेंगे, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, कामयाबी से पेमेंट हो गई है और इसके चार्जेस आप देख सकते हैं 0 है और 900 रुपये हमारे अकाउंट से कट गए हैं, यह ट्रांजैक्शन ID भी हमें रिसीव हो रही है। तो अब दोस्तों इसकी रसीद हासिल करने के लिए आपको मैसेज आएगा 8147 से, तो इस तरह दोस्तों आपको मैसेज आएगा 8147 से, उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो पे हो गई है। और रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर हम प्रेस करेंगे, नेक्स्ट ये ऑप्शन आएगी क्रोम ब्राउज़र और PDF को, तो PDF पर ओके कर लें आप। तो इस तरह दोस्तों आपके सामने रिसिप्ट शो हो जाएगी, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं लेकिन इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट पर प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोड की ऑप्शन शो होगी, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे डाउनलोड पर तो ये हमारे फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी आपके सेलफोन के, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये दोस्तों फाइल मैनेजर की ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों ये डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं ये फाइल शो हो रही है हमारे व्हीकल के नंबर से, इसको ओपन करेंगे।
तो ये देख लें हमारे सामने, ये हमारी रिसिप्ट शो हो गई है, आपके सेल फोन में सेव है। आप इसको एज इट इज़ सेव भी रख सकते हैं और प्रिंट आउट हासिल करने के लिए किसी भी शॉप से इसका प्रिंट हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपने गाड़ी का सालाना टोकन टैक्स घर बैठे पे कर सकते हैं बगैर अजाफी फीस के और टाइम ज़ाया किए बगैर, और इसकी रसीद भी घर पर ही हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मालूमात मज़ीद मिलती